नमस्ते, हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटर प्याज का पराठा। आइए पराठा बनाना शुरू करते हैं। प्याज टमाटर पराठा बनाने के लिए हमने ये चार मीडियम साइज के प्याज महीन महीन काट लिए। हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिसमें प्याज का पानी निकल जाए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक के साथ। थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ देंगे इसे। अब हम पराठे के लिए मसाला बनाएंगे। ये हमने एक चम्मच ली है धनिया और हाफ टी स्पून लिया है जीरा। इसको हम भून लेंगे। इसको हमें कलर चेंज होने तक भूनना है। ये मसाला हमारा भून गया, इसका कलर चेंज हो गया। अब इस गैस हम ऑफ कर देंगे। अब इस मसाले को हम मोटा मोटा कूट लेंगे इसमें। इसको ज़्यादा महीन नहीं करना है। अब पराठे के लिए हम स्टफिंग तैयार करेंगे। ये प्याज को हमने नमक लगा के रख दिया था, इसको हम छान लेंगे। छान के सारा पानी इसका हम निकाल लेंगे। इस तरह से दबा के इसका हम सारा पानी निकाल देंगे। प्याज का सारा पानी निकल गया है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हमने जो मसाला भून के मोटा मोटा कूटा था उसको डाल देंगे। एक हरी मिर्च और हाफ टी स्पून ये अदरक कद्दूकस हमने कर ली है, इसको भी इसमें हम डाल देंगे। वन फोर टी स्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर। वन फोर टी स्पून डाल देंगे गरम मसाला। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे प्याज में। बहुत हल्का सा नमक डाल देंगे क्योंकि प्याज में हमने नमक डाला था। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये स्टफिंग बनके हमारी रेडी है प्याज की। इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे, इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे।
अब हम पराठे के लिए आटा गूंथेंगे। ये हमने आधी कटोरी आटा लिया है, इसको हम बड़े बर्तन में डाल देंगे। इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून डाल देंगे अजवाइन। एक बड़ा चम्मच डाल देंगे ऑयल, जिससे हमारा पराठा खस्ता बने। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमने दो टमाटर पीस लिए हैं, इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसी से हम आटा गूंथेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के। इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने ही टमाटर में यह आटा हमारा अच्छे से गूंथ जाएगा। यह आटा हमारा गूंथ गया है, इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे जिसमें यह फूल जाए, फिर इसके हम पराठे बनाएंगे। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। आपको जितना बड़ा पराठा बनाना है उतनी बड़ी बड़ी लोई बना लीजिए। अब इसको हम सूखे आटे में लपेट लेंगे। अब इसकी हम एक छोटी रोटी बेल लेंगे। अब इसमें जो हमने प्याज की स्टफिंग बनाई थी उसको भरेंगे। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पहले हम इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे।
अब इसको हम सूखा आटा लगा के फिर से हल्के हाथ से इसको हम बेलेंगे। इसको एकदम हल्के हाथ से बेलना है, नहीं तो ये प्याज इसका बाहर आ जाएगा। इसी तरह से हम सारे पराठे बेल कर तैयार कर लेंगे। तवा हमने पहले से रख दिया है, गरम हो गया है। अब इसमें हम हल्का सा ऑयल डाल देंगे। हम पराठे को हम एक तरफ से सेंक लेंगे, एक तरफ से ये पराठा हमारा सिक जाए, फिर इसको हम पलटेंगे। पराठा हमारा एक तरफ से सिक गया है, इसको अब हम पलट देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। किनारे से भी हल्का हल्का ऑयल डाल देंगे। अब इसको हम दोबारा से पलट देंगे। इधर से भी हमारा पराठा सीख गया है और हम इधर से भी ऑयल लगा देंगे। इसको हम दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे, सेक लेंगे। दूसरी तरफ से भी हम गोल्डन होने तक सेक लेंगे, फिर ये पराठा हमारा बन के रेडी हो जाएगा। पराठा हमारा अच्छे से दोनों तरफ सिक गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। ये टमाटर प्याज का पराठा बनके हमारा रेडी है खाने के लिए।
आप लोगों को हमारे टमाटर प्याज के पराठे की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक।